नेक्स्ट स्टैंडर्ड इज IFRS 15. अर्लियर दिस यूज टू बी IAS 11, जिसका नाम होता था कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स. वॉट डज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स मीन? अगर एक कंपनी कॉन्ट्रैक्टर का काम करती है, ठेकेदार, उसको कोई काम दिया जाता है, मिसाल कोई कस्टमर अपना प्लॉट उसको देता है कि भाई इसके ऊपर मुझे आप बिल्डिंग बना के दो, तो बिल्डिंग बना तो मैं रहा हूं लेकिन किसी के बिहाफ पे, तो वो बिल्डिंग मेरी नहीं है. और वो कस्टमर मुझे पेमेंट्स करेगा एज पर अ डिटरमिंड शेड्यूल. वो शेड्यूल बेसिकली क्या होता है कि जब हम एग्रीमेंट साइन करेंगे तो आप मुझे कुछ अमाउंट देंगे, फिर जब हम उसकी खुदाई कर लेंगे, डिगिंग कर लेंगे, सॉइल टेस्टिंग कर लेंगे, फिर आप मुझे इतने पैसे देंगे. उसकी बुनियाद में मैं पूरा सरिया बिछा दूंगा, राफ्ट बिछा दूंगा और उसको सीसी ब्लॉक कर दूंगा, तो जो सीसी होगा उस पर ऊपर आप मुझे पैसे देंगे, फिर छत डल जाएगी उस पर आप इतने पैसे देंगे, चुनाई हो जाएगी, दीवारें खड़ी हो जाएंगी, प्लस्तर हो जाएगा, सैनिटरी फिटिंग्स लग जाएंगी, इलेक्ट्रिशियन का वर्क हो जाएगा. यू स्टेजेस रखी जाती हैं कि हर एक स्टेज जब हम ये काम करेंगे, आप इवन कभी बिल्डर के पास प्रोजेक्ट भी बुक करवाएंगे तो बताएगा कि वैसे महाना किस्त इतनी है लेकिन छत डलने पे इतने देंगे, लिफ्ट जल जाएगी तो इतने दे देंगे. यू हर एक काम पे टाइल्स हो जाएंगी तो आप पैसे देंगे, पैसे होते हैं. हम काम किसी तरीके से कर रहे हैं और पैसे किसी तरीके से रिसीव कर रहे हैं. मैं इसको रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करूं? अगर कि ये प्रोजेक्ट 3 साल का है, मुझे 6 मंजिला बिल्डिंग बनानी है, वो मैं समझता हूं 3 साल में मुकम्मल करूंगा. अब अगर कस्टमर को हमने कुछ प्राइसेस फिक्स कर दिए हैं कि आप इतने मुझे पैसे देंगे, और अगर उसमें कुछ वेरिएबल कंसिडरेशन है, अगर मैंने काम 3 साल यानी 30 जून 2026 से पहले पहले कर दिया तो आप मजीद मुझे इतने पैसे देंगे. कस्टमर कहता है डन हो गया, टाइम पे काम करोगे मैं इतने पैसे दूंगा. लेकिन अगर आप डेडलाइन से लेट हो गए तो मैं इतने पैसे माइनस कर दूंगा. ये कुछ वेरिएबल कंसिडरेशन है. फिर काम में कुछ तरमीम भी हो सकती है, मोडिफिकेशन हो सकती है. बरा मसला ये आता था कि क्या जब जब कस्टमर मुझे पैसे देता जाए मैं तब तब रेवेन्यू रिकॉर्ड करता जाऊं? तो मैचिंग कॉन्सेप्ट ने बोला ऐसे पता नहीं कैसे, अक्रूअल कॉन्सेप्ट ने बोला ऐसे पता नहीं कैसे कि आपने अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उस पर आपको 10% पैसे मिले हैं, उसको रेवेन्यू मान लोगे? तरीका सीखो, तुमने बोला आप ही बताओ. तो उसकी गाइडेंस मुझे कौन देता था? IAS 11. इसका रेवेन्यू क्या किसी पॉइंट इन टाइम पे कमाया जाएगा या ओवर द टाइम कमाया जाएगा? आप बताओ. ओवर द टाइम. अगर मुझे गुड्स देने होते, भाई मैंने आपको गाड़ी डिलीवर कर दी, सौदा हो गया. लेकिन अगर मुझे सर्विसेज देनी है, मिसाल मैं आपको कहता हूं कि आप मुझे इतने पैसे देंगे और हम आपको सिक्योरिटी कंपनी सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड करेंगे, तो वो पूरे 12 महीने के हो सकते हैं, वो ओवर द टाइम होता है. तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम नहीं कमाया जाता बल्कि ओवर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कमाया जाता है. तो उसको डील कौन करता था? IAS 11 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स. बाकी इसके अलावा जितना भी रेवेन्यू है, रेवेन्यू और इनकम में डिफरेंस आपको पता है. रेवेन्यू हम उसको कहते हैं दैट इज जनरेटेड एंड इनकम जनरेटेड फ्रॉम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज या प्राइमरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, जो हमारे बिजनेस का मेन कोर्स है. अगर वहां से हम कोई इनकम अर्न जनरेट करते हैं तो उसको हम शो करते हैं एज रेवेन्यू. तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपका काम ही ठेकेदारी है, आप कोई रोड कंस्ट्रक्ट करते हो, कोई ड्रेनेज डालते हैं, कोई फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट करते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई गवर्नमेंट का ठेका है, कोई प्राइवेट ठेका है, हमारा तो काम है, तो उसको हम कहते हैं रेवेन्यू.
पहले ये दो स्टैंडर्ड्स होते थे जिनको कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट बिटवीन IASB एंड FASB US की वजह से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया और IAS 11 और 18 को ख़त्म करके एक नया स्टैंडर्ड बनाया गया जिसका नंबर है IFRS 15 और नाम में भी तकरीबन दोनों को मिला दिया गया है, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विथ कस्टमर्स। तो इसमें कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स वाला पार्ट और नॉर्मल रेवेन्यू वाला पार्ट मिक्स हो गया। IFRS 15 ने एक अप्रोच दी है रेवेन्यू रिकग्नाइज करने की जिसको हम कहते हैं फाइव स्टेप अप्रोच या फाइव स्टेप मॉडल। कोई भी रेवेन्यू रिकॉर्ड करने से पहले आपने देखना है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मकसद कंसेंसस हासिल हो जाना, दोनों पार्टीज का एग्री हो जाना और एक डील डन हो जाना। तो अगर बायर और सेलर के आपस में टर्म्स तय हैं, अगर एक बंदा सिर्फ पूछने आया, अगर एक शख्स ने आपसे सिर्फ कोटेशन मांगी, तो क्या बोलोगे? सौदा हो गया? नहीं ना। सौदा होने के कुछ उसूल होते हैं। तो पहला आपने आइडेंटिफाई करना है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है और क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ भी है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर ये एग्रीमेंट हो गया है, अगर ये टर्म्स तय हो गए हैं, तो आप आगे बढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे हमारी जब फसलें उतरती हैं, अभी कॉटन सीजन है, हमारे एरिया में फुट्टी की फसल अब तैयार है, बारिशें हैं जिसकी वजह से वो डिले हो सकता है, हीट हो सकती है, डिस्कलर हो सकती है और नम हो सकती है, बड़ी परेशानियां हो जाएंगी, हमारी फसल बिकेगी नहीं। लेकिन अगर चीज़ें सही जाती हैं तो हम क्या करते हैं, वो फुट्टी निकालते हैं। मिसाल के तौर पे ऐसा होता है कि अभी जब हम उसको हार्वेस्ट करते हैं तो रेट बहुत कम होता है। मैं नहीं चाहता कि मैं अभी कॉटन को बेचूं, लेकिन रखने की जगह भी कोई नहीं। तो हमारे यहाँ ज़मींदारी में एग्रीकल्चरली एक टर्म यूज़ होता है, अमानी। अमानी मतलब अमानत। हम एक कॉटन फैक्ट्री को कहेंगे कि भाई मेरी इतने वर्ण की कॉटन फुट्टी है, वो मैं तुम्हारी फैक्ट्री में बेच रहा हूँ, तुम उसका वज़न करवा के अपने पास उतरवा दो। लेकिन इसकी जिनिंग नहीं करना, इसको प्रोसेस नहीं करना, है मेरी, रेट मैं कुछ दिनों के बाद तय करूंगा तुमसे। अभी मैंने रेट तय नहीं किया बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम के बाद कॉटन महंगा हो जाएगा, रेट बढ़ जाएगा, जब रेट बढ़ जाएगा ना मैं तब सौदा कर लूंगा। तो एक, क्योंकि उसको तो फुटी चाहिए। अगर आप उसके रेगुलर कस्टमर हैं, मिसाल आप एक कमीशन एजेंट हैं और आपके पास हजारों मन कॉटन आती है, तो आप तो एक अच्छे सप्लायर हैं, राइट? और हम बन ही जाएंगे, और क्योंकि मार्केट वैल्यू पे बनेंगे ना, ना आप ना इंसाफी, अगर नाजायज पैसे मांगोगे तो मैं मना कर दूंगा, मैं अगर आपको नाजायज पैसे लगाऊंगा तो आप मना कर देंगे, और ओपन मार्केट है, मैं आपको बोलूंगा कि भाई ओपन मार्केट में फुट्टी का ये रेट है, और मैं आपको एक टाइम देता हूं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने का, मैं आपको कहता हूं भाई कटवा लो, रेट कटवा लो। अगर आपको कभी भी लगता है कि यार अब मैं वापस यहां से उठवाऊं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना, लेबर की कॉस्ट है ना, फिर यहां से उठवाऊं, फिर कहीं और फैक्ट्री पे ले जाऊं, तो मेरा खर्चा आ जाएगा, तो अल्टीमेटली होगा यही कि बेचोगे आप मुझे ही। तो आप क्या करते हो, मेरे पास उसको ऑफलोड करवा देते हो। क्योंकि अक्सर जो ये कॉटन होती है ना, ये 2-3 बार निकलती है, तो आप जल्दी जल्दी इसको पिक कर लो ताकि दूसरा हाथ भी आप निकाल सको। तो जैसे आप उसको पिक कर, जिस तरह फूल होते हैं, मिसाल आपने पिक कर लिया तो दूसरा हो जाएगा ना, उस तरीके से सीजन में क्या होता है कि आप जैसे ही कॉटन को निकाल दोगे तो पीछे दूसरी निकलेगी, तो आप 2-3 बार निकालोगे, आपका फायदा है ना, लेकिन रखने का आपके पास स्पेस नहीं है। और बारिश इस ही टाइम पे, मानसून के टाइम पे ही हमारी कॉटन उतरती है, आपके पास रखने की जगह नहीं है। और अगर आपने उसको बंद कमरे में कहीं रखा, वो हीट हो जाएगी, हीट हो गई तो तबाह। आपने कॉटन मुझे दे तो दी है, लेकिन क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? अगर अमानी रखवाई है तो अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है, तो बेचने वाला अभी उसको रेवेन्यू शो नहीं कर सकता। अगर दोनों पार्टीज के दरमियान मुआयदा तय पा गया, टर्म्स एग्री हो चुके हैं,
तो हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। बास कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूशनरी होते हैं जिसमें बात करने की जरूरत नहीं होती। जिस तरह हम एक मार्ट पे जाके चीज अपने कार्ड में डाल के बाहर निकल जाए तो कोई पकड़ेगा ना, भाई पैसे, बोला पैसे देने क्या, बोला चीज उठाई है, तो बोला तुमने ये कब बोला कि पैसे देने, वहां बोलने की जरूरत नहीं है। गाड़ी जाके पेट्रोल पंप पे खड़ी कर दूं और टैंक खोल दूं तो फुल कर दे और मैं पूछूं क्या पैसे हैं क्या, तो सामने वाला बोला बाकी क्या, पैसे फ्री में दूंगा, पैसे तो देने। इसको एग्जीक्यूशनरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। बहरहाल अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि डन है कॉन्ट्रैक्ट, यस, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। जरूरी नहीं है कि हमारे एग्रीमेंट में कोई दो या दो से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हो। मिसाल के तौर पे आप मुझसे गाड़ी खरीदना चाहते हैं, मैंने कहा कि भाई जिसको भी गाड़ी खरीदनी है वो डाउन पेमेंट दे 10 लाख की, 15 लाख की, 12 लाख की, और फॉर्म फिल करे, मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दे, शनाख्ती कार्ड दे, अपना NTN दे, उसकी गाड़ी बुक हो जाएगी। और उस कॉन्ट्रैक्ट में हमने वाजे किया है कि जब तक गाड़ी आपको डिलीवर हो, अगर मीन माइल प्राइस बढ़ गई तो आपको बढ़ी हुई कीमत पे करनी पड़ेगी। सही है, आपको बढ़ी हुई कीमत देनी पड़ेगी। अब ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अगला, इसमें हम सेलर की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, मुझे क्या करना पड़ेगा जिसके बाद मैं इस एग्रीमेंट से आजाद हो जाऊंगा, गाड़ी देनी है, खत्म बात, गाड़ी देनी है। मैं आपको गाड़ी डिलीवर करूंगा और आप मुझे बाकी पैसे देंगे। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है कि मैंने आपको गाड़ी डिलीवर करनी है विद फाइल, विद डॉक्यूमेंट्स, विद की, और आपने मुझे पैसे देने हैं। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे कंपनी क्या करती है, कहती है कि यार अगर आप मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हमसे बाय करें तो हम 3 साल का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और वो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट बिल फर्ज 1.5 लाख रुपए का है, जिसके अंदर आप 3 साल तक गाड़ी हमारे पास लेके आएंगे, हम उसका 5,000 किलोमीटर के बाद ऑयल चेंज करेंगे, उसकी ट्यूनिंग करेंगे, उसकी वायरिंग वगैरह चेक करेंगे, लैपटॉप स्कैनिंग करेंगे, सेंसर्स रिफ्रेश करेंगे, ये पूरी मेंटेनेंस आपकी गाड़ी की हम करेंगे। ये कितने की है, ये 1.5 लाख रुपए की है। और लेट्स अज्यूम गाड़ी है 38.5 लाख रुपए की, टोटल पैसे बनते हैं 40। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि अगर आपने गाड़ी बुक करवाई मुझसे तो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट अभी मैं आपको 75,000 रुपए, 75,000 में दे दूंगा। अब जब आपने मुझसे एग्रीमेंट किया तो एग्रीमेंट में मेरे ऊपर ऑब्लिगेशंस दो हैं, क्या, एक तो गाड़ी डिलीवर करनी है, दूसरा 3 साल तक आपकी गाड़ी को मेंटेन मैंने करना है। इसको हम कहेंगे कि हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आइडेंटिफाई करनी है कि क्या क्या है। हाँ, इसमें नॉर्मली जो एक एग्जामिनर खुश होता है वो बात देखे, दैट इज सेल एंड सर्विस, दैट इज सेल एंड सर्विस। तो आपने आइडेंटिफाई किया कि एक सेल है और एक सर्विस है। तीसरा, डिटरमिन द ट्रांजेक्शन प्राइस। ट्रांजेक्शन प्राइस वैसे तो तय होती है लेकिन कभी कभी इसमें प्लस माइनस हो सकती है। एग्जाम्पल मैंने आपको ये दी कि पहले जो गाड़ियों की बुकिंग डीलर्स होते थे वो एग्रीमेंट करते थे कि अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं, मिसाल 10 लाख या 12 लाख बुकिंग एडवांस देते हैं और जब तक आपको गाड़ी डिलीवर हो 3 महीने, 6 महीने, जो भी टाइम है मैं आपको बता रहा हूं, उस ड्यूरेशन गाड़ी डिलीवर होने से पहले पहले अगर प्राइस बढ़ गई तो डिफरेंस आप पे करोगे, और अगर आपने फुल पेमेंट कर दी
अगर आपने फुल पेमेंट कर दी तो रेट बढ़ने के बावजूद भी मैं आपके गले में नहीं डालूंगा, क्योंकि आप मुझे पैसे फुल कर रहे हो। अब जो डीलर्स हैं वो कह रहे हैं फुल पेमेंट भी कर दोगे ना तो भी पे राइज लगेगा, अगर राइज लग गया तो वो भी आपको भरना पड़ेगा। अब यहां पे ट्रांजेक्शन प्राइस को हमें डिटरमिन करना है कि कितने में सौदा हुआ है। इसकी दूसरी मिसाल बताता हूं जिस पे एग्जामिनर खुश हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैंने एक कस्टमर को कहा कि अगर पूरे साल में तुमने मुझसे 25,000 या उससे ज्यादा यूनिट्स खरीदे ना तो मैं 10% डिस्काउंट दूंगा, क्या याद करोगे? बशर्त कि आप पूरे साल में 25,000 यूनिट्स मुझसे बाय करें। अगर वैसे मुझसे चीज खरीद रहे हो तो 800 रुपए की है, लेकिन अगर डिस्काउंट लग गया तो 720 की हो जाएगी। पहले क्वार्टर में हम सेल करते हैं उस कस्टमर को 9,000 यूनिट्स और क्लोजिंग का टाइम आ गया, मेरा ईयर एंड हो गया, उसका अभी साल पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उसको जो साल का टारगेट दिया है उसको अभी 3 महीने हुए, अभी उसके पास 9 महीने हैं टारगेट एंजॉय करने के। सवाल, जो 9,000 यूनिट्स आपने बेचे हैं उसको मल्टीप्लाई में 800 से करूं या 720 से? आई हैव टू डिटरमिन द ट्रांजेक्शन प्राइस। आप इसमें प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं, इफ इट्स हाईली लाइकली कि वो 25,000 से क्रॉस कर जाएगा, आप इसकी पास्ट प्रैक्टिस देख सकते हैं। अगर वो 25,000 यूनिट से क्रॉस कर जाएगा तो वो जो डिस्काउंट होगा उसको मैं इस रेवेन्यू में से आज ही माइनस कर दूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं टारगेट बढ़ा दिया है ये नहीं कर पाएगा तो मैं इसको 800 पे रिकॉर्ड करूंगा। समझ में आई बात? लेकिन अगले 3 महीने में अगर वो अचानक से इतना बड़ा ऑर्डर प्लेस कर देता है कि मुझे लगता है कि भाई ये तो पहुंच गया, हम तो खरगोश की तरह लेट गए, आराम कर रहे थे तो पहुंच गया, और अगले झटके में लेट से उसने मुझसे 12,000 यूनिट्स ऑर्डर कर दिए 3 महीने के अंदर अंदर, मैं तो 21 पे तो अभी पहुंच गया, 9 पहले किए, 12 भी किए, बाकी 6 महीने इसके पास। तो पहले में भी मैंने डिस्काउंट इग्नोर किया था, 800 के हिसाब से किया था, वो जो डिस्काउंट है पिछले यूनिट्स पे और इस यूनिट्स पे वो दोनों मिला के आप दूसरे क्वार्टर के रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे। तो हम क्या करें, ट्रांजेक्शन प्राइस को डिटरमिन करना है, हाँ, उन यूनिट्स को भी और इन यूनिट्स को भी 80-80 रुपए मिला के। ये बात समझ में? अच्छा, ट्रांजेक्शन प्राइस हमने कर ली डिटरमिन। पहला हमने देखा कि मुआयदा हुआ है, दूसरा हमने देखा कि कंडीशंस क्या है, उसने क्या करना है, मैंने क्या करना है, तीसरा हमने देखा कि इस पूरी ट्रांजेक्शन की कीमत क्या है, चौथे में हमने कीमत को एलोकेट करना है ऑब्लिगेशन पे। पहले इसमें अलग अलग कानून चलते थे, आईएस 18 में रेजिडुअल अप्रोच चलती थी, अब कानून बिल्कुल सीधा है। देखो, हम देखेंगे कि बंडल ऑफ गुड्स और सर्विसेज है, आप कितने में बेच रहे हैं। एक होती है स्टैंड अलोन प्राइस, स्टैंड अलोन का मकसद डिस्टिंक्ट, अगर अलग बेचूं तो। गाड़ी अगर मैं अलग बेचूं तो कितने की होगी, और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं अलग बेचूं तो कितने का होगा। एलिवेटर एक बिल्डिंग में मैंने इंस्टॉल करनी है लिफ्ट, तो लिफ्ट भी मैं सप्लाई करूंगा, और आइंदा आने वाले 5 साल तक, 7 साल तक, 10 साल तक उस लिफ्ट की जो मेंटेनेंस है वो भी हमारी कंपनी करेगी। वारंटी किसी दौर में मोहब्बत में दी जाती थी कि भाई तुम बेफिक्र जानी होकर ले जा, खराब नहीं होगी, खराब होगी ना 1 साल तक मैं बैठा हूं, तो एप्पल, सैमसंग या ओप्पो ये हमें वारंटी देते थे। अब ये वारंटी बेचते हैं, अब ये वारंटी देते नहीं है, अब ये वारंटी बेचते हैं। तो फोन खरीदने जाओ तो बोला विद वारंटी चाहिए या विदाउट वारंटी चाहिए, दोनों मतलब, इसका मकसद वारंटी के अलग से पैसे हैं।
इस केस में वारंटी इज अ डिस्टिंक्ट सर्विस, वो उसमें शामिल नहीं है, बल्कि वो अलग से इंश्योरेंस की तरह बेची जा रही है। तो अगर हम विथ वारंटी खरीदते हैं तो सामने वाले के ऊपर दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डल गई, एक तो फोन देना, दूसरा साल के अंदर फोन में किसी किस्म का भी कोई फॉल्ट आया, इवन सैमसंग एक वक्त में देता था एक्सीडेंटल कवरेज कि फोन जिंदा या मुर्दा मेरे पास ले आओ। अगर आपने बोला कि यार पूल में छलांग मार दी मैंने और जेब से फोन निकालना भूल गया, आधे घंटे के बाद वाइब्रेट हुआ, आखिरी सांस ली फोन ने, मैंने कहा क्या है, देखा फोन, सैमसंग ने कहा कोई टेंशन नहीं, मर गया ना, ले आ मेरे पास, मैं नया दे दूंगा। यार बाइक चला रहा बड़ी स्पीड से, विली जैसे ही मारी तो फोन गिर गया, और मेरी बाइक के साथ साथ वो भी ड्रिफ्ट मारता हुआ आया, तो मैंने जैसे देखा मैं कहा फोन मिल गया, उठाया तो अपना ही था, लेकिन उस पर स्पाइडर वाला वेब बना हुआ था। मैं कहा गया, सैमसंग ने कहा कोई टेंशन नहीं, मर गया ना, ले आ मेरे पास, एक्सीडेंटल कवरेज, टूट गया, अब देते हैं? नहीं अब नहीं देते हैं। हाँ पैनल की या किसी चीज की एक लिमिटेड वारंटी देते हैं, लेकिन बहरहाल अब एक वारंटी उसने दी, वो एक्सीडेंटल कवरेज के बाकी था, पैसे चार्ज करते थे। सो दिस वॉज मोर लाइक एन इंश्योरेंस, कि आपकी अगर गाड़ी चोरी होने की भी मैं इंश्योरेंस कर सकता हूं, तो फोन चोरी होने और टूटने की भी इंश्योरेंस कर सकता हूं। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी इस मॉडल पे चलती है कि सारे के सारे लोग थोड़ी क्लेम करेंगे, लेकिन पाकिस्तानी तो सारे आ जाएंगे क्लेम करने के लिए, जैसे ही फोन पुराना हो जाएगा ईंटें मार के ले आएंगे, बोला टूट गया, वापस नया दो। यस, न्यू गाड़ी पे नहीं करते ऑफकोर्स, लेकिन गाड़ी अगर थोड़ी पुरानी हो जाती है और थोड़ा ब्यूटीफाई करना होता है तो वो क्या करते हैं, जानबूझ के गाड़ी ठोकते हैं, बम्पर वम्पर तोड़ के। वो एक मतलब वो मिली भगत हो सकती है, एक सर्वेयर होता है, उस सर्वेयर के साथ अगर आपकी बनी हुई है, लेकिन कंपनी ने क्या करना है कि गाड़ी इंश्योर करने से पहले आपकी गाड़ी की पूरी तस्वीरें लेनी है। दूसरी बात, गाड़ी जब क्लेम पे आएगी तो टूटी हुई गाड़ी के बम्पर हेडलाइट वगैरह जो टूटी हुई है उसकी तस्वीरें होंगी और उसको चेंज करने के बाद होंगी। तो सर्वेयर अगर आपसे मिला हुआ है तो उसके बाद टूटा सामान पड़ा हुआ है, हाँ, लेकिन सर्वेयर समझ सकता है एक बात, अगर सर्वेयर ईमानदारी करे तो कंपनी धोखा नहीं खा सकती, लेकिन सर्वेयर क्योंकि तनख्वाह पे है तो वो सर्वेयर को आप अगर पक्का कर दो या मैकेनिक उसको पक्का कर दे, क्योंकि सर्वेयर को भी उसमें कमीशन बनती है, तो वो क्या करते हैं, जो टूटे हुए बम्पर है तो वो चिपका के तस्वीरें खींच लेते हैं, हेडलाइट टूटी हुई निकाल रख के तस्वीरें खींच लेते हैं और फिर चेंज कर देते हैं। बेसिकली चेंज होती नहीं है ऐसा, हाँ वो पैसे ले लेते हैं कंपनी से, क्लेम ले लेते हैं कि गाड़ी आपकी टूटी थी। अगर ऐसा चला ना तो पाकिस्तान में ऑफकोर्स इंश्योरेंस होना ही बंद हो जाएगी। अच्छा, वारंटी अब दी नहीं जाती, वारंटी अब बेची जाती है। तो हम देखेंगे डिस्टिंक्ट स्टैंड अलोन। अगर कार बेची जाए तो लेट्स अज्यूम गाड़ी है 38,50,000 की और इसमें अगर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए तो स्टैंड अलोन कितने का है, 1.5 लाख का। तो दोनों को अगर पैकेज बनाया जाए तो दोनों स्टैंड अलोन कितने के बनेंगे, 1.5 लाख। लेकिन मैंने आपको कितने में दिए हैं, लेट्स अज्यूम हम कहते हैं कि मैंने आपको दे दिए 39 लाख में दोनों, तो ट्रांजेक्शन प्राइस कितनी है, 3.9 मिलियन। हम उसको एलोकेट करेंगे कि इसमें गाड़ी के कितने हैं और मेंटेनेंस के कितने हैं। IAS 18 में रेजिडुअल चलता था, गाड़ी के निकाल के बाकी 50,000 मेंटेनेंस में डाल देते थे। IFRS 15 कहता है ऐसा नहीं होगा, आप इसका परसेंटेज निकालो, सही है, लिखो 3850 डिवाइड बाई 4000, 96% मल्टीप्लाई बाय 3.9 मिलियन, 3900।
ठीक है चलो, और 1.5 लाख 150 को डिवाइड करो 4000 से, मल्टीप्लाई करें 3.9 मिलियन से, 3900 से, इजी। तो फोन खरीदेंगे कितने का है, और अगर आप अलग से वारंटी लेंगे, मिसाल के कोई शख्स मोबाइल जोन, एक हमारे दौर में होते थे यूनाइटेड वारंटी या मोबाइल जोन वारंटी, उनका काम ही फोन की वारंटी देना होता था। आप फोन कहीं से भी लेके आ जाएं, आप हमसे वारंटी ले लें, वारंटी के में पैसे दे दीजिएगा। मिसाल के तौर पे एक शख्स फोन खरीदे तो कितने का देंगे, और वारंटी खरीदे तो कितने की देंगे, ये हो जाएंगी स्टैंड अलोन प्राइसेस। लेकिन कोई शख्स हम ही से फोन और वारंटी खरीदे तो हम उसको क्या करते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, फोन के पैसे अलग रखेंगे, वारंटी के पैसे अलग रखेंगे, ये हो जाएगा टोटल बैक बंडल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के पैसे। और अभी जितने में हमारा सौदा हुआ है, ये हो गया हमारी ट्रांजेक्शन प्राइस। इस 39 लाख को हमने डिवाइड किया कि गुड्स के कितने हैं और सर्विसेज के कितने हैं, ये हो गया चौथा स्टेप। पहला क्या था, कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई किया, दूसरे में हमने क्या किया, अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आइडेंटिफाई की, तीसरे में ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन की, सही है, जिसमें वेरिएबिलिटीज आ सकती हैं ट्रांजैक्शन प्राइस में, जिसकी एक मिसाल मैंने दी डिस्काउंट्स। अच्छा, एक ये भी हो सकता है कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर हो सकती है, मिसाल हम कस्टमर को चीज़ बेच भी रहे हैं और उससे कुछ सर्विसेज भी ले रहे हैं। मिसाल एक मार्ट है, हम डिटर्जेंट बेचने वाली एक कंपनी है, हम डिटर्जेंट सप्लाई करेंगे और वो हमसे खरीदेगा, तो वो हमारा क्या है, कस्टमर है। लेकिन उसको हमने कहा कि भाई डिटर्जेंट हमारा ना एंट्री पे और बिल्कुल फ्रंट पे फेस पे रखना है आपने, वो बोलेगा भाई इसके पैसे होते हैं क्योंकि ये एडवर्टाइज करते हैं, स्टैंड ही रख देना, कोई शेल्फ बना देना, या जानबूझ के ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स को बिल्कुल सामने सामने रखना ताकि कस्टमर अगर भूल भी जाए तो बोलेगा अरे यार डिटर्जेंट लेना था, सामने पड़ा हुआ, अच्छा वो याद आ गया। अब वो एरियल की तरफ भी जा सकता था, वो शायद सनलाइट की तरफ भी जा सकता था, या वो किसी और की तरफ भी जा सकता था, लेकिन सामने सामने सर्फ एक्सेल पड़ा था, उसने डाल के कार्ड में डाल दिया। ये कंपनीज को एक एडवांटेज सा फील होता है। बस मार्ट्स जहाँ पे कोई फूड आइटम्स होते हैं, आप देखें मिनी बेकरीज बनी होती हैं अपने पास, जिस तरह पनाका साटा होती है बस जगहों पे, या हॉबनॉब होती है, या पाइन द स्काई लेट से, तो वो अक्सर क्या करते हैं, उनसे ये भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कि उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है ना, वो मार्ट के अंदर डिस्चार्ज की जाती है डिलिबरेटली। तो अगर कोई बंदा दाखिल होता है, और बेकरी आइटम्स की अक्सर खासियत होती है कि जैसे उसकी खुशबू आती है ना, भूख लग जाती है, तो बंदे को वैसे इरादा नहीं होता, लेकिन बारिश देख के पकौड़े याद आते हैं, मॉल के अंदर मार्ट के अंदर जाके उसको यार बिस्किट्स खाते हैं, केक पेस्ट्री खानी है, ये उसके अलग से पैसे लेते हैं। तो अगर कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर है, यानी उल्टा मैं उसको पैसे दूंगा हालांकि है मेरा कस्टमर, तो वो ट्रांजेक्शन प्राइस के अंदर शामिल हो जाएगी। अगर क्या आप उसे अलग सर्विस ले रहे हैं, वो टोटली अलग, मतलब वो आपका सप्लायर है, आप उसके सप्लायर हो, बचपन में पढ़ा था ना कॉन्ट्रा, तो आप उसको गुड्स दे रहे हैं, वो आपको मार्केटिंग सर्विसेज दे रहा है, वो एक अलग अमाउंट हो सकता है। लेकिन अगर वो नेट ऑफ कर देता है उसमें, तो ये कंसिडरेशन के अंदर या ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर शामिल किया जाएगा। चौथे स्टेप में हमने क्या किया, कीमतों को ऑब्लिगेशंस पे तकसीम कर लिया कि गाड़ी की कीमत ये है और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत ये है। आखिरी स्टेप, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू, दो इसमें टर्म्स है, एक है वैन। वैन का मकसद है एक बार अपॉइंटेड टाइम, एक इवेंट ऐसा होगा कि सौदा डन। तो अगर मैंने फोन करके बोला भाई रेट क्या चल रहा है, मैंने कह दिया कि भाई 4500 रुपए मन चल रहा है, उसने कहा काट दो मेरे 100 मन काट दो, मैंने कहा डन हो गया, हमने उस टाइम लिख दिया सौदा हो गया, अब फुटी मेरी पैसे तुम्हारे। वैन गाड़ी दी,
चाबी दी, फाइल दी, जाओ घर। तो एक इवेंट ऐसा होगा जिसमें ट्रांजेक्शन हो जाएगी, और दूसरा है और एज। एज का मकसद ओवर द टाइम। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू मैं कैसे रिकॉर्ड कर सकता हूं? ओवर द लाइफ ऑफ 3 ईयर। तो उसको हम कहते हैं एज द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। तो एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऐसी है जो एक वक्त में सेटल हो जाती है, और एक ऑब्लिगेशन ऐसी होती है जो आहिस्ता, जिस तरह कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो मैं आपके प्लॉट के ऊपर डिगिंग कर रहा हूं, सॉइल टेस्टिंग कर रहा हूं, राफ्ट डाला, सीसी ब्लॉक बनाया, ब्लॉक्स खड़े कर दिए, पिलर्स बना दिए, ईंटें लगा दी, मैं आहिस्ता 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 करके आपके मकान की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूं। यूं बेसमेंट बन गई, ग्राउंड बन गया, फर्स्ट फ्लोर बन गया, सेकंड फ्लोर बन गया, ग्रे स्ट्रक्चर बन गया, चुनाई हो गई, मैं बढ़ाता जा रहा हूं। लेकिन कैसे होता जाएगा ये? एज द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। तो वैन का रेवेन्यू एक ही टाइम पे रिकॉर्ड हो जाएगा, और एज का रेवेन्यू अक्रूअल बेसिस पे ओवर द टाइम रिकॉर्ड किया। हाँ, भले 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 भले, देखो हमें पेमेंट्स को देखना ही नहीं है भाई। या तो आपने डेबिट करना है रिसीवेबल को, या तो आपने डेबिट करना है कैश को, या तो आपने डेबिट करना है अनअर्न इनकम को, वो आपके कैश के मसले हैं। मैं मसला सिर्फ क्रेडिट रेवेन्यू का बोल रहा हूं। अगर कस्टमर ने मुझे एडवांस में पैसे दे दिए, कैश तो डेबिट कर दिया लेकिन क्रेडिट रेवेन्यू नहीं कर सकता, क्रेडिट मैंने डेफर्ड इनकम या अनअर्न इनकम कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं अपना काम कर लूंगा, मैं डेबिट अनअर्न इनकम कर दूंगा, क्रेडिट रेवेन्यू कर दूंगा। अगर काम उसने ज्यादा कर दिया, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन उसे ज्यादा सेटिस्फाई कर दिए मैंने, तो मैं मजीद अमाउंट उसके रिसीवेबल में डाल दूंगा। लेकिन रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड होता जाएगा उसकी हम कैलकुलेट करते हैं स्टेज ऑफ कंप्लीशन। जिस तरह प्रोसेस कॉस्टिंग में बताया जाता है ना कि WIP इतना फर्स्ट, इतना फीसद कंप्लीट, तो कैसे बताया जाता है उसको हम कहते हैं स्टेज ऑफ कंप्लीशन। कितना फीसद काम हो चुका है ये कॉस्ट बेसिस पे भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे मेरा अंदाजा है कि पूरी बिल्डिंग बनाने में खर्चा आएगा 2.5 करोड़ रुपए का, और अब तक मैं उस पर 50 लाख रुपए का खर्चा कर चुका हूं। तो 50 लाख 2.5 करोड़ का 20% है, मैं कहूंगा कि 20% ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो चुकी है। अगले साल तक मैं 1.25 करोड़ रुपए खर्च कर चुका हूं आउट ऑफ 2.5 करोड़, तो मैंने यह कह दिया कि मैं 50% काम मुकम्मल कर चुका हूं, स्टेज ऑफ कंप्लीशन। दूसरा राइट और सर्विसेज में भी ऐसा हो सकता है। वैसे अगर वन टाइम सर्विस है, मिसाल मैंने फ्यूमिगेशन वाले को बुलाया कि भाई पूरे कैंपस में मक्खियां हो गई हैं, फ्यूमिगेट कर दो, तो सारी जिंदगी तो फ्यूमिगेट नहीं करेगा, एक दिन आएगा फ्यूमिगेट करेगा, 2 घंटे बोलेगा जाओ पैसे, उसकी सर्विस हो गई। ठीक है, हर महीने का बिल है, हर महीने को चार्ज कर रहा हूं, हर विजिट के चार्जेस है, हर विजिट पे चार्ज कर रहा हूं। लेकिन अगर आपने मुझसे एक पूरे टाइम की वारंटी दे दी, पूरे टाइम की इंश्योरेंस दे दी, पूरे टाइम की मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो पैसे एक हैं, कवरेज 3 साल है, तो वो कैसे रिकॉर्ड होगी? एज, आप उसको नंबर ऑफ मंथ्स पे कर लें। जिस तरह बचपन में आपने पढ़ा था ना कि भाई अगर प्री पेमेंट्स हैं, एडवांस में हम बिल्स पे कर रहे हैं, खर्चा तब तो नहीं मानते ना जब पैसे दे देते हैं। जितनी सर्विसेज दे चुके होते हैं हम उतना उतना खर्चा मानते जाते हैं। हाँ ओके, स्कूल फीस है, तो जैसे जैसे मिसाल हम स्कूल फी तो चलो पर मंथली हो, अगर हम यहाँ पे ACCA के अंदर लेट्स से पूरे कोर्स के पैसे ले लेते हैं जो कि लेट्स से 6 महीने के हैं, तो हम आपसे एडवांस में फीस लेते हैं, उसको इनकम नहीं मान देंगे हम। जैसे जैसे अब
टाइम करते जाएंगे उसको ओवर द टाइम ऑफ 4 मंथ 6 मंथ 5 मंथ जितना भी पीरियड है उसके ऊपर इनकम बांधते जाएंगे. ठीक है, दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन और F7 में इतना ही है. अब इसके हम करेंगे एग्जाम्पल्स. हाँ, इसके हम करेंगे फिर प्रैक्टिस. बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लें, कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई, ये स्टेप्स आपको याद रहने चाहिए और सीक्वेंस के साथ. सीक्वेंस आगे पीछे नहीं कर सकते हैं. पहला कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करना है, दूसरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करनी है, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिटरमिन करनी है, चौथा एलोकेट करना है, पांचवा रिकॉग्नाइज करना है.